नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो है लेथ मशीन के ऊपर टर्निंग कैसे करते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है कि टर्निंग कैसे करते हैं, टॉपिक है टर्निंग के ऊपर है कि हम लोहे को बांध कर लेथ मशीन के चक्के में सीधा करके उसके ऊपर टर्निंग कैसे करते हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो फाइनली दोस्तों आपको मैं दिखा दूँ, ये एक मैंने लोहा का टुकड़ा लिया है और इसके ऊपर मैं टर्निंग करूँगा, ठीक है। तो आप जैसे देख लीजिए ये है और मुझे ये टर्निंग करना है, ठीक है। तो टर्निंग करने के लिए पहले हमें इसको चक्के में बांधना होगा, सीधा करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। पहले इसको तो फाइनली दोस्तों आपको पता है कि अब इसको मुझे ट्रू करना है, तो पहले मैं ट्रू कर लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ट्रू करने के बाद तो फाइनली दोस्तों मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हमने पहले इधर जी आप देख पा रहे होंगे इधर जो टर्निंग किया हुआ है, ये हमें ट्रू करना है और इसको हमें टर्निंग करना है। तो ये आउट भी चलेगा, तो इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि इसे हमें टर्निंग करना है, यही इम्पोर्टेंट है कि इसे हमें टर्निंग करके इसके बराबर करना है। तो आइए पहले इसको देख लेते हैं ट्रू हुआ या नहीं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ नज़दीक से मैं आपको चाहूँगा आप यहाँ देखिएगा कि ये ट्रू चल रहा है या नहीं। ये देखिए हमारा बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल सीधा चल रहा है, एकदम ट्रू चल रहा है, और ये जो हमारा है काला वाला ये आउट चल रहा है। तो हमें इसको ही टर्निंग करना है, तो आइए टर्निंग का प्रोसेस देखते हैं। तो टर्निंग करने के लिए हमें ऐसा सैंक टूल का जो है बिट है इसमें लगा हुआ है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और पहले इसमें लगाते हैं धार और उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं कि टर्निंग कैसे करते हैं। तो अब मुझे ग्राइंडर ऑन करना है, ग्राइंडर मशीन पे इसमें धार लगा के उसके बाद फिर मैं टर्निंग की बात करता हूँ। तो इसे मैं किया ऑन और लगाता हूँ धार। तो फाइनली दोस्तों ये आप देखिए मैंने इसमें धार लगा लिया है। अब हम चलते हैं अपने लेथ मशीन के ऊपर। तो अब हमें टूल पोस्ट में इस टूल को जो सैंक नाम लिया उसको इसमें टाइट करेंगे, अच्छी तरीके से इसको टाइट कर ले ताकि हमारा टूल हिले ना, ठीक है। अब ये इसमें टाइट हो गया और अब हमें करना है जो इसमें टर्निंग। तो देखते हैं पहले इसको टूल के सेंटर में है या नहीं, बिल्कुल ही सही है। और अब करेंगे मशीन ऑन और देखिए टर्निंग कैसे होता है। जब भी आप टर्निंग करेंगे इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले आप इसमें टच करिए, यहाँ पे जो आपका कास्टिंग लोहा है उसमें टच करने के बाद आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा, जो भी आपका रीडिंग है यहाँ पे जो रीडिंग वाला है ये, इसमें आपने टच जैसे टूल कर लिया, टूल टच करने के बाद कितना आपको टर्निंग करना है, आधा mm, 1 mm, तीसरे 1 mm बढ़ा लिए, 2 mm करना है तो फिर इसे 1.5 mm और ऐसे बढ़ा लीजिए 2 mm। इसके विषय में मैंने आपको वीडियो डाल रखा है पहले, अगर आप देखना चाहें तो पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं कि एक लकीर कितने का होता है, पूरे 5 लकीर कितने में एमएम बनता है, इसके विषय में मैंने पूरा ट्यूटोरियल वीडियो डाला हुआ है, आप जाकर वॉच करिए। और अब हमने इसमें 2 mm बढ़ाया, तो अब 2 mm जो बढ़ाया वो टर्निंग करना होगा, तो उसको देखते हैं। आइए टर्निंग करने के लिए आप एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए एक बार, जैसे कि आप अगर चाहें तो इसमें फीड लगा सकते हैं, फीड लगाने के बाद ऑटोमेटिक भी टर्निंग होगी और आप हाथ से भी चला के कर सकते हैं। तो एज द विश आप चाहे जैसे कर लें, आपके ऊपर है। तो आइए पहले मैं हाथ से करके देखता हूँ और देखिए कितना बेहतरीन कटिंग हो रहा है। ये देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, होता है टर्निंग का बहुत ही सिंपल प्रोसेस, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, मैं हर बार इस बात को कहता हूँ। और उसके बाद फिर इसको आप पीछे कर लीजिए ऐसे, ठीक है। पीछे करने के बाद फिर से आपको सेम प्रोसेस अपनाना है कि अब हमें कितना बढ़ाना है, तो फिर आपको बढ़ाना है तो ऐसे 1-1.5 mm बढ़ा दीजिए। बढ़ाने के बाद अब हम इसको चलाएँगे फीड के ऊपर, ठीक है। अब हम चलाएँगे यहाँ से फीड चेंज करेंगे, ये जो है इसको बीच में इसको यहाँ से इसको हम ऐसे फीड के ऊपर लॉक करेंगे और फीड यहाँ से आपको मैंने बता ही रखा है, यहाँ से फीड को हमें लॉक करना है। और लॉक करने के बाद देखिए ये कट रहा है, ये देखिए आप बिल्कुल आराम से कट रहा है। और आप मुझे देखिए, मैंने मशीन छोड़ दिया है, मैं मशीन छोड़ के खड़ा हूँ
और ये यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये फीड अपने आप चल रहा है। तो ये टर्निंग हो रहा है आपका, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका टर्निंग हो रहा है और बहुत ही आराम से हो रहा है, बिल्कुल ही ध्यान दीजिए। तो ये लोहे के ऊपर टर्निंग कर सकते हैं आप, कॉपर के ऊपर कर सकते हैं, एल्युमिनियम के ऊपर कर सकते हैं। लोहे में कई तरीके का ग्रेड होता है, हार्ड मटेरियल या नॉर्मल, जैसा चाहे आप बिट लगाइए और टर्निंग कीजिए, बिल्कुल ही आसान है। आप देखिए बिल्कुल टर्निंग आराम से हो रहा है, और इसको पूरा देखिए आप, ये अब हमारा फाइनल होने वाला है और ये एक टर्निंग हो गया है। तो फाइनली दोस्तों ये टर्निंग हो चुका है, अब ये एक साइज बन गया होगा। तो आइए पहले साइज को देखते हैं कितना बना हुआ है। यहाँ से ध्यान दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ, तो इसको ऐसे आप चेक कर लीजिए, ये लगभग 43.5 आ रहा है, ठीक है, आपको साफ साफ दिख पा रहा होगा 43.5 आ रहा है। ऐसे ही अगर आपको टर्निंग करना है तो आप 43.5 बनाइए, 45 बनाइए, 46 बनाइए, या 20 बनाइए, 10 बनाइए, आपको जितना डायर रखना है ऐसे टर्निंग करके आप डायर रख सकते हैं। तो ये होता है टर्निंग का प्रोसेस। लोहे ऊपर, कॉपर, चाहे किसी भी मेटल के ऊपर आप काटें, बहुत ही आसानी से काट सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।